या मैं खुश हूँ या मैं उदास। अब आप पूछोगे खुश क्यों हो, उदास ही तो आपको पता चल गई क्यों बाइक चली गई। खुश क्यों के मतलब के हमारे यहाँ पर था प्रोग्राम 7 दिन का। हमारे 7 दिन जो प्रोग्राम था, जो प्रेयर होती है हमारी खुदा के लिए, वो था। 7 दिन में हम सारी तैयारी कर रहे थे। शायद उन्होंने, चोरों ने नज़र रख ली थी, ये गेट खुल रहा है बंद हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। शायद उन्होंने देख लिया होगा, टाइमिंग देख लिया था, लाइट का टाइमिंग क्या है। ये सीसीटीवी कैमरा दूसरी है, सही है, तो चोरी होगी हमें पता नहीं चला। तो ये चोरी होने के बाद मुझे पता नहीं था चोरी हो चुकी है बाइक हमारी, मेरे बाइक की बाइक, मेरे भाई है उसकी बाइक है, मेरी नहीं है। तो बाइक यहाँ पर हम खड़ी थी क्योंकि हमारा प्रोग्राम था, तो हमें लगा कि हमारा कोई फ्रेंड या ऐसे कोई रिलेटिव बाइक ले गया होगा कोई काम से, बट हमने कहा ऐसे ही छोड़ दो। तो बाइक चोरी होने के बाद 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद चोरी हुई, 3 घंटे के बाद हमने देखा कि यार बाइक हमारा कोई रिलेटिव तो लेके नहीं गया, क्योंकि कोई सारे रिलेटिव हमारे साथ थे, घर आ चुके सब। हमने देखा कोई रिलेटिव नहीं लेके गया, तो बाइक लेके कौन गया। फिर आहिस्ता पता चला कि बाइक चोरी हो चुकी है। अब बाइक को चोरी होते 3 घंटे हो चुके हैं, और जो टाइम था चोरी होने का वो था कि 2 से 4 के बीच में टाइम था, बीच में लाइट भी जाती है तो उसको पता था। तो ये सीन हुआ, ये टोटल 5 लोग थे, ये जो आपको बच्चे देख रहे हैं वो भी उनके साथ थे, मुझे लगता है ऐसे हमें लग रहा है, क्योंकि वो वहाँ से आ रहे थे उस साइड से, दूसरा बंदा वहाँ से आ रहा था जो चोरी कर रहा है। ये सीन हुआ है, अभी पता नहीं अब क्या होगा आगे। जो सीन हमारे साथ हुआ है, हम चाहते हैं कि आप कोशिश करो कि उससे बचो। बस हमने ये सबक सीखा कि बाइक को आप जब भी कहीं भी रोको, कहीं भी रोको, आप ताला लगाओ ज़रूर, क्योंकि हमने जब रोकी थी घर के सामने बस, क्योंकि गैराज जो होता है उसको साफ़ करना था बाइक, इसलिए हमने रोक ली बाहर रोकी थोड़ी, तो हमने ताला नहीं लगाया। और बाइक हमारी पंचर थी, पहली बात तो ये, उसने 2 मिनट में आके उसको डायरेक्ट किया, वो लेके चला गया। तो मैं इससे ये चीज़ सीखा कि आप कहीं भी अपनी गाड़ी रोको तो ताला प्लीज़ लगा लेना। तो गाइस, मुझे बस ये तो इम्पोर्टेंट एक नोट देना था कि ये जो चैनल है वो कोई इसी चीज़ के बारे में नहीं है, बट मैं डिफरेंट चैलेंजेस करता हूँ, व्लॉग देता हूँ और रिव्यू करता हूँ। तो मैं एक वीडियो शूट कर रहा था चैलेंज के लिए, बट बीच में आपको पता है प्रोग्राम हो गया, और 7 दिन का प्रोग्राम था, उसके साथ तो ये सीन हो गया, तो इसलिए ये वीडियो भेजनी पड़ी और आपको अलर्ट करना पड़ेगा, पड़ा आपको बताना पड़ा कि ये चीज़ हो रही है। तो प्लीज़ आप सेफ रहें। ओके गाइस, बाय बाय।